स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। सिविल साइट नॉलेज ऑफर लेकर आया है आप सबके लिए। एक ऑफर चल रहा है अभी, 31 अगस्त तक डेट है। आप प्लीज कमेंट करें, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जाएगा। ओके, तो आज मैं बताने जा रहा हूं हाउस प्लान 18x27 फीट में 486 स्क्वायर फीट, और दूसरा मिलेगा आपका 30x45 1350 स्क्वायर फीट में 4 BHK ईस्ट फेसिंग मकान है। जो भी मेरे पास कमेंट आते हैं, देखिए मैं नोट डाउन करता हूं। अभी तक मेरे पास 53 कमेंट आ चुका है, ये पूरा नोट डाउन है। सीरियल वाइज आपको वीडियो बनाया जाता है जैसे जैसे कमेंट आता है, लेकिन ध्यान रहे एक यूट्यूबर का एक ही कमेंट पे वीडियो बनेगा। एक यूट्यूबर अगर दो बार कमेंट करते हैं तो उस पे वीडियो नहीं बनेगा। देखिए पहला कमेंट है, ये सब वीडियो बन चुका है जैसे कि मैं नोट डाउन करके रखता हूं। ओके, चलते हैं इसके कमेंट के तरफ से। वीडियो बनाने से पहले एक छोटा सा मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहता है। ओके, इसकी अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। सिविल साइट नॉलेज हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है, तो प्लीज ये ऑफर का बेनिफिट उठाएं, आप भी कमेंट करें, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनेगा। मेरा टारगेट है 100 कमेंट पे मैं वीडियो बनाऊं, अभी 53 आ चुका है, 47 रिमेनिंग है। तो प्लीज 31 अगस्त आने में अब देर नहीं है, प्लीज आप कमेंट करें, कमेंट के अकॉर्डिंग आपका वीडियो बनेगा। ओके, चलते हैं इस प्लान को 1x1 करके देखते हैं। देख रहे हैं आप फ्रेंड कि प्लॉट साइज है 18x27 फीट, 486 स्क्वायर फीट है। ओके, तो आउटर जो वॉल है, जो नक्शा मैं बनाया हूँ इस प्रकार है, जितने भी आउटर वॉल है देख रहे हैं, ये आउटर वॉल ये आपका 8 इंच का है, और पार्टीशन वॉल जो है आपका बीच वाला 4 इंच का है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका वॉल का थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपके एरिया में ब्रिक का साइज अगर 10 इंच है तो 10 इंच रख सकते हैं, 8 इंच का है तो 8 इंच। ओके, इनर आपको 10 इंच रखेंगे तो इनर 5 इंच का रखना पड़ेगा। ओके, ब्रिक के साइज पे ये डिपेंड करता है वॉल का थिकनेस। ओके, देखिए साउथ फेसिंग मकान है, मेन डोर मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, MD लिखा हुआ, ये मेन डोर है। यहाँ से इंटर करेंगे हॉल में, हॉल का साइज है 14 फीट 4 इंच बाई 18 फीट 8 इंच का, ये हॉल है। हॉल में ही आपको कॉर्नर में एक साइड मिलेगा 7x4 में आपको एक टॉयलेट है। ओके, फिर स्टेयर बना हुआ है, स्टेयर से यहाँ से ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, एक बेडरूम मिलेगा आपका 11 फीट बाई 10 फीट 4 इंच का, ये बेडरूम है, इसका विंडो हॉल में है। ओके, किचन है आपका, जस्ट हॉल से अटैच है ये किचन, 11x6 फीट का ये आपका किचन है। इस तरह मैं इनका प्लानिंग किया हूँ। डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ईस्ट इधर है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट डायरेक्शन इस साइड। तो इस सेकेंड जो प्लान है 1350 स्क्वायर फीट का 4 BHK, यूट्यूबर का कमेंट आया था कि सर मुझे 4 BHK चाहिए। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग किया गया है आप देख सकते हैं। ओके, ये ईस्ट फेस मकान है, पूर्व साइड मेन गेट प्रोवाइड किया गया है, नॉर्थ फेस जो है आपका लंबाई है 45 फीट और चौड़ाई है आपका ईस्ट फेस जो है आपका 30 फीट। ओके, 1350 स्क्वायर फीट में। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे मैं मेन गेट प्रोवाइड किया हूँ, आप देख रहे हैं सेंटर में मेन गेट प्रोवाइड किया गया है। ओके, यहाँ से इंटर करेंगे तो ये पार्किंग एरिया मिलेगा, ये पोर्च एरिया भी है, तो यहाँ बाइक पार्क कर सकते हैं। इसका जो स्पेस है 11 फीट बाई 9 फीट, ये जो एरिया है 11 बाई 9 फीट। ओके, फिर यहाँ MD लिखा हुआ है, यानी मेन डोर है, यहाँ से हम इंटर करेंगे हॉल में। हॉल का जो साइज है आपका 11 फीट 8 इंच × 19 फीट 4 इंच का, यानी यहाँ से पूरे बड़ा हॉल है आपका, ये प्रोवाइड मैं किया हूँ। ओके, जस्ट हॉल से अटैच है आपका किचन, यहाँ पे देखिए किचन है ये कॉर्नर पे, 9 फीट 8 इंच × 9 फीट का ये किचन का साइज है। और प्लस में जैसे गेट से करेंगे तो ये गार्डन एरिया मैं प्रोवाइड किया हूँ, 5x9 फीट 4 इंच का ये आपका गार्डन मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे इनका जो 4 बेडरूम का जो प्लानिंग है, तो इस प्रकार किया गया है कि यहाँ पे एक मैं गेस्ट रूम प्रोवाइड किया हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2 दरवाज़ा मिलेगा हॉल से भी यहाँ पे देखिए, और यहाँ ये पार्किंग एरिया से भी एक दरवाज़ा मिलेगा। ओके, दोनों का विंडो आकर W2W2 लिखा है, विंडो का साइज है, एक मेन रोड के तरफ है और एक आपका पार्किंग के तरफ है और पोर्च के तरफ है। ओके, तो गेस्ट रूम का जो साइज है 15x10 फीट का ये आपका गेस्ट रूम का साइज है। ओके, यहाँ पे मैं स्टेयर प्रोवाइड कर दिया हूँ। ओके, इस डायरेक्शन में। ओके, जस्ट स्टेयर के बाजू में कंबाइंड टॉयलेट जो इसे अटैच है, हॉल से अटैच है, तो ये कंबाइंड टॉयलेट है आपका,
8 फीट 8 इंच × 5 फीट का ये टॉयलेट है, दोनों कंबाइन है, लाइट और बाथ दोनों एक ही साथ है। ओके, इसे देखिए यहाँ पे इंटर में प्रोवाइड किया हूँ बेडरूम 2 और बेडरूम 1, यानी कि दोनों का साइज सेम है, 12 फीट × 9 फीट 2 इंच का दो बेडरूम मिलेगा। एक बेडरूम मास्टर बेडरूम है, इससे अटैच आपका एक टॉयलेट 4x4 का यहाँ पे टॉयलेट मिलेगा। ओके, साथ में आपका ये बालकनी भी है, देखिए एक बालकनी मैं प्रोवाइड किया हूँ इस बेडरूम टू से बालकनी, क्योंकि यहाँ अटैच इसके बाद टॉयलेट हो गया। ओके, तो यहाँ गेट प्रोवाइड करने में गेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर दिया हूँ और एक बालकनी इसको बेडरूम टू वालों को बालकनी में प्रोवाइड किया हूँ 4 फीट × 14 फीट 4 इंच। चाहे तो एक टॉयलेट ये बना सकते हैं, ओके, लेकिन ये बालकनी रखें, ओपन स्पेस रखें तो बेटर है, क्योंकि रोशनी आना बहुत ज़रूरी है रूम में। ओके, यहाँ पे मैं देखिए विंडो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों विंडो प्रोवाइड किया गया है, एक हॉल में भी विंडो प्रोवाइड किया गया है। ओके, एक बेडरूम 3 देखिए 13x10 का बेडरूम कॉर्नर पे है और इसका विंडो देखिए बालकनी में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह मैं इनका प्लानिंग किया हूँ। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाएँ, और मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब देख सकते हैं इसका 3D अगर आप देखेंगे तो इस तरह होगा, जो मेन गेट यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, यहाँ से जस्ट गार्डन है थोड़ा सा। ओके, फिर बाइक पार्क कर सकते हैं, फिर देखिए हॉल, जो हॉल में इंटर करेंगे, यहाँ पे हॉल में इंटर करेंगे, हॉल से इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ किचन आपका आ जाएगा, ये किचन के बाद स्टेयर के बाद आपका ये टॉयलेट हो गया, टॉयलेट के बाद एक बेडरूम है आपका कॉर्नर पे, बेडरूम 3 नंबर। ओके, फिर ये बेडरूम 2 और बेडरूम 1, प्लस में ये गेस्ट रूम। ओके, तो इस तरह मैं इनका प्लानिंग किया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अभी तक सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही 100 कमेंट हो तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।